सुंदर घोड़ा है ये, सुंदर ही नहीं विचित्र घोड़ा भी है। चलो देखते हैं ये कैसे आया है। चलो देखते हैं इसको कितना सजाया है। इसका छतर है, क्यों लगाया हुआ है इस पे छतर, क्यों लगाया हुआ है? पर एक तो ये तो लगता है इसके मस्तक पर क्या लिखा है? इसके मस्तक पर राज राजेश्वर छत्रपति महाराज श्री रामचंद्र के अशब मेघ यज्ञ का ये अशब्दी घोड़ा स्वतंत्र ब्रह्मांड के लिए छोड़ा गया है। इसके आगे जो नतमस्तक होता है और जो इसे पकड़ने का और लिखा है जो इसे पकड़ने का दुस्साहस करेगा उसे उसके आगे राजा रामचंद्र महाराज की शोभा प्राप्ति है और जो इसे पकड़ने का दुस्साहस करेगा उसे महाराज रामचंद्र से रामचंद्र की सेना से चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी। भैया कुछ राजा राम को अपनी वीरता पर इतना एकार हो गया। हाँ भैया, क्या राजा राम को अपनी वीरता पर इतना अहंकार है? लगता है राजा राम को अपनी वीरता पर अहंकार हो गया। भैया हम भी वीर हैं और वीर का धर्म है चुनौती स्वीकार करें। हाँ, अब हम ये घोड़ा नहीं छोड़ेंगे और राजा राम से युद्ध करेंगे। घोड़ा छोड़ दो वरना राम की सेना हमारी चटनी बना देगी। इत्थे खड़ा सब कुछ क्या होता है मेरे अक्के ने। चलो इस घोड़े को हम बांध देते हैं। सभा, तुम लोग आश्रम जाओ और किसी से कुछ नहीं कहना। जी भैया जी, जी भैया जी, हम जाते हैं आश्रम में, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। शादी आ जाओ।
इधर आओ भाई, आओ भाई, आते हो बैठो सर। सेना नाच नाच किसी सुविधा और कम करावा। अबे तू बोल दे ना, समझ आया तू? अरे अरे ओ बालक, ये खेलने का घोड़ा नहीं है, इसे छोड़ दो। ये यक्का घोड़ा है, ये यक्का घोड़ा है, छोड़ दो वरना तुम्हें पता नहीं इसे पकड़ने का, इसे पकड़ने का। परिणाम क्या होता है, डरते हो? इधर आओ बच्चों, जानते हैं चप्पल था जाते कभी तो है। तुम हमारा क्या बिगाड़ सकते हो? कुछ जाकर अपने, जाकर अपने राम से कहो, हमने उनको, हमने उनकी युद्ध की चुनौती, युद्ध की चुनौती सभी कर ली है। कैसे बोल रहे हो? तुम्हें हमारा पता नहीं, तुम जानते नहीं हम कौन है? हम राजा राम के सेनापति है। तुम घोड़ा छोड़ते हो या नहीं? हमने तुम्हें बालक समझकर दंड नहीं दिया है। तुम तो दुष्ट हो, यह तो घोड़ा छोड़ते हो या युद्ध करे? पीछे चलो, हाँ भी मैं मैट भी इकट्ठा कर देता हाँ हाँ तुम यहाँ से जाते हो या तुम्हें यहाँ से मार कर गिराते हैं? भाई तो चप्पल पानी चल गया। जय श्री राम, जय श्री राम। मैंने तो सुना था, मैंने तो सुना था कोई एक बालक है, तुम तो दो हो। चिंता ना करे, आपसे एक ही लड़ेंगे। आप केवल ये बताएं, क्या क्या आप राजा राम हो? नहीं।
वीरों की गाथा में नहीं आता। हर शब्द वीरों की गाथा में नहीं आता। तुम दिखने में तो सुंदर बालक हो, लेकिन उतने ही विषैले भी हो। ऐसे फल को काट देना ही अच्छा है। कहाँ है वो मुनि कुमार जिन्होंने यज्ञ का घोड़ा पकड़ा है। कहाँ है वो मुनि कुमार जिन्होंने यज्ञ का घोड़ा पकड़ा है। श्रीमान जी, हम ये हैं वो मुनि कुमार। आप किथे इधर यज्ञ का घोड़ा, ये यज्ञ का घोड़ा छोड़ दो। क्या तुम्हें लक्ष्मण की वीरता का ज्ञान नहीं है? अच्छा, ये वो ही वीर है जिन्होंने एक स्त्री का सूप नखा का पार और नाक काटी थी। ये वो ही है जी भैया, मुंडे छड़ के आए जिन्होंने भाई के कहने से गर्भवती माता सीता को अकेले घने वन में छोड़ दिया था। जाइए जाइए और राजा राम को कहे बार बार अपने छोटे भाइयों को ना भेजे और हमारा समय ना करे। दुष्ट बालकों, तुम दया के पात्र नहीं हो। ठहरो, तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। हनुमान, ये क्या आप जैसे वीर दुबक कर बैठा है? प्रभु, इस समय में लवकुश का बंदी लवकुश जी राम जी को वंदना और चुनौती के लिए उनको चरणों में अपने धनुष भेजते हैं, तो क्या है? हेलो,
इस प्रोग्राम में सारे पहला बार सब तो बढ़िया होता भी अपना आपके चरणों में हमारी वंदना है। नहीं नहीं तेरा बहुत बड़ा जोड़ और यहाँ आए ये हो भी तेरे करके उपरावन हमने आपकी चुनौती स्वीकार कर ली है। हम घोड़ा नहीं लेंगे दोनों को तुम दोनों तो मुनि कमार हो कोई चक्रवर्ती जो तुम्हें हमने आपकी चुनौती स्वीकार कर ली है। हम घोड़ा नहीं रहेंगे तुम दोनों तो मुनि कुमार हो चक्रवर्ती राजा नहीं जो तुम्हें मेरे अशव में एक यज्ञ से इच्छा क्यों है ना हमें किसी राज की इच्छा है बढ़िया बढ़िया मेरी ना हमें राजनीति से इच्छा है। फिर तुमने यज्ञ का घोड़ा क्यों पकड़ा है 9814 हमने ये घोड़ा इसके मस्तक पर चुनौती को पकड़ कर 761 पकड़ा है 61 ओके साहब तुम्हारा ये चुनौती से क्या संबंध है भाई बेटा इस चुनौती से अहंकार की गंध आती है इसे पढ़कर ऐसा लगता है कि आपको अपनी वीरता पर इंकार हो गया चाचा जी चाचा साजी करो जल्दी बालको ये घोड़ा वापस कर दो आपका डांस है इसके बाद ठीक है मैं बूढ़े बच्चे पर और स्त्री पर वार नहीं करता। हाँ भैया ये वीर है क्या ये दाढ़ का वध भूल गए क्या दाढ़ का एक स्त्री नहीं थी मैं जब जब तुम्हें देखा मुझे तुम पर प्रेम आता है लव कुश माइक ला लो इधर फड़ा दे हमें आपको आपका प्रेम नहीं चाहिए हमें अपने प्रेम से प्रेम में ना बांधे ये विनती है आपसे ऐसा क्या जगत माता पिता की अग्नि परीक्षा जो लेता है ऐसे चक्रवर्ती राम के प्रेम से प्रेम में क्या लगता है अपनी पत्नी जगत माता राम के प्रेम से डर लगता है तुम्हें सत्य का ज्ञान नहीं पुत्र कृपया हमें पुत्र ना कहें आप हमारे पिता नहीं है और राजा भी नहीं है
ये कोई माया लगती है। ठहरो, अभी सबक सिखाता हूँ। नहीं नहीं बस खत्म। तभी आकाशवाणी होती है, प्रभु वाल्मीकि जी आकर उन बच्चों को शांत करते हैं और उनको उनका साक्षात परिचय देते हैं कि ये बालक कोई और नहीं आप ही के पुत्र हैं और जो सीता है वो आपकी पत्नी है, उनके ये दो पुत्र हैं लव और कुश। इधर इनका मिलन होता है, लव कुश का राम से मिलन होता है, तो हनुमान जी बड़े खुश होकर नाचते हैं और गाते हैं जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम।